अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद दीन में आप सभी का खैर मकदम है। आज जुमा है और हर जुमा इंशाल्लाह मिल्ले मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश करेगा। वैसे भी सभी जानते हैं कि मिल्लत इस्लामिया किस आजमाइश के दौर से मौजूदा दौर में गुजर रही है। इस पर बारह तबसरे होते रहते हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार भी ठहराने की कोशिश होती रहती है। आलमी सतह पर और खासकर मुल्क हिंद में मुसलमानों को निशाना बनाकर सियासी इख्तदार हासिल करने का हुनर अब भाजपा और संघीय विचारधारा के लोगों ने हासिल किया। अब तो इतने मसाइल दरपेश हैं कि किस पर तबसरा करें और किस पर ना करें समझ में नहीं आता। आलंद का मामला हाल ही में पेश आया, अभी से क्या कहा जाए। कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले फिरका पर सोचो फिक्र के तंजीमों की जानिब से अकलेती माशरे के नौजवानों को निशाना बनाया गया। अब तो बड़े बड़े सियासी लीडर भी जो चाहे बयानात दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि देश विरोधी काम करने वाले ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने निकले। ऐसा नहीं कि मिल्लत के मसाइल पर किसी ने इससे पहले कुछ नहीं कहा या इस पर तबसरा नहीं हुए। बारह इस पर इजलास भी मुनक्कद किए जाते हैं। उमूमन अब तो सवाल वही है जो बार बार दोहराए जाते रहते हैं कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, सियासी कयादत नहीं है, उलमा खुलकर बोल नहीं रहे या फिर या दीनी रहनुमा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, सियासी लीडर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। दूसरी तरफ सियासी या दीनी रहनुमा आवाम को जिम्मेदार ठहराते हुए देखा जाता है। जो भी हो, लेकिन मुस्लिम माशरे के साथ ज्यादती तो हो रही है, सभी जानते हैं। और सिर्फ मुस्लिम समाज ही निशाने पर नहीं है, बल्कि दलित सिख ईसाई भी निशाने पर है, लेकिन पहले नंबर पर मुसलमान है, क्योंकि इन्हें निशाना बनाना आसान है, क्योंकि एक मुस्लिम कौम ही है जो दुनिया की सबसे मुंतशिर कौम है। आखिर इसका हल क्या है? आखिर मुस्लिम उम्मत आज एक क्यों नहीं होना चाहती है और आने वाले दिनों में इन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? ये वो तमाम सवालत है जिन पर तबसरे तो होते हैं, लेकिन जवाबात को तलाशने की कोशिश नहीं की जाती। सभी जानते हैं कि हाल ही में हिजाब का मामला हुआ। बड़े अफसोस के साथ ये भी देखा गया कि महज कुछ कॉलेज इसकी तुलबा ही आवाज उठाती रही है और इसी हिजाब को लेकर पूरी रियासत में हंगामा भी बरपा हुआ। कई जगहों पर कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी गई, मुकदमे भी दायर हुए। आखिरकार मामला आज भी अदालत में लटका हुआ है। आखिर फैसला अदालत की जानिब से क्यों नहीं दिया जाए? और क्या वाकई मामला इतना संजीदा था इसे जानबूझकर चुनावी मुफाद हासिल करने के लिए कर्नाटक से हवा दी गई ताकि चुनाव में हिजाब भी ध्रुवीकरण का काम कर सके? अब हमारे दरमियान मुनाफिकाना जहन रखने वाले कुछ लीडर ये भी कहते हैं कि हमें तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसी साजिशें आगे भी चली जाएंगी। लेकिन क्या हर बात को मान लेना जरूरी है या मान लेना सही है? तालीम या हिजाब सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। खैर, समीर शाहपुर का कत्ल हुआ, दलितों को मंदिर में जाने से रोकना या फिर गदक की मस्जिद पर हमले की धमकी देना, कर्नाटक में ईसाइयों की इबादत गांव पर हमला कर उसे भी निशाना बनाना, और हाल ही में आलंद की दरगाह का मामला। वैसे तो अब कर्नाटक में रोजाना कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, उन तमाम की फहरिस्त तवील हो जाएगी, लिहाजा कुछ ही वाकयात का जिक्र मुनासिब समझूंगा। क्या भाजपा के MP MLA यहाँ तक के मरकजी वजीर का दरगाह इहाते में जाकर पूजा करना तशद्दुद को साजिश के तहत ही अंजाम देने का मंसूबा ही था, इसकी तस्दीक हो जाती है। और रही बात इंतजामिया की, जैसे मेकेदाटू के वक्त DK शिवकुमार ने कहा कि हुकूमतों के इशारों पर कुछ आला पुलिस अफसरान मुकदमे दायर कर रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत बदलती है तो यही मामला दोहराया भी जा सकता है। मतलब इंतजामिया को किसी के इशारे पर काम करने के बजाय सही मुजरिम पर कार्रवाई करे ताकि जुर्म ना पनपे, और सही मुजरिमों पर कार्रवाई होती हो तो जुर्म अपने आप दब जाता है, लेकिन मामला उल्टा चल रहा है, ये भी सभी जानते हैं। खैर, माशरे की बात कही जाए तो माशरे में आगे बढ़ चढ़कर कोई कयादत नहीं करना चाहता। अगर कोई आगे भी बढ़ रहा है तो कौमी हमदर्दी में कम और जाती मुफाद में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। दीनी और मजहबी रहनुमाओं से भी मिल्लत धीरे धीरे मायूस होती जा रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मिल्ली मसाइल पर हर जगह पर जो भी जहां कहीं खड़ा है, आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा, या बढ़ना चाहिए, पुलिस की कार्रवाई होगी या फिर मुकदमे दायर किए जाएंगे, इस डर से मामूली मसलों पर भी कोई बोलना नहीं चाहता, ये भी सच्चाई है। जाहिर है मिल्लत जुल्म का शिकार तो हो ही रही है, पर कोई आगे बढ़कर जुल्म पर बोल भी नहीं सकता, ऐसी ज़हनियत आम होती जा रही है। मस्जिदों से जहां हालात पर खुलकर बोलना है, मिंबरों से भी आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा नहीं कि 100% इसी तरह के हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो बोल रहे हैं शायद इक्का दुक्का होंगे। फिरका परस्तों ने तो मुसलमानों के खिलाफ जहां भी बन सके निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन क्या मुल्क के संविधान आईन की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने के लिए माहौल को तशद्दुद में तब्दील करना चाहता है? ये कहां तक सही है? इनके खिलाफ हमारे जिम्मेदारान या लीडरान ने मुकदमे दायर क्यों नहीं किए? हिजाब मामले में सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां आवाज उठा रही थी, पर जिम्मेदार खामोश थे, क्यों
उन तुलवाओं से मिलकर कॉलेज प्रिंसिपल या डीसी से मुलाकात कर जो भी सच्चाई है या अदालत का फैसला समझाने के बजाय सिर्फ कॉलेज लड़कियां और उनके वालिदैन परेशान नजर आए। आज मैंगलोर में एक बार फिर मुस्लिम लड़कियों के साथ अछूते की तरफ बर्ताव करने की वारदात को लेकर फिर से हंगामा बर्पा किया गया। आखिर तमाम माशरे की खामोशी क्या कहती है? आखिर आज भी हम किस ख्वाब गफलत में जी रहे हैं? आखिर दुनिया की मोहब्बत ने हमें किस इंतहा तक बुजदिल बना दिया है? क्या वाकई दुनिया की जिंदगी से हम सभी राजी हो चुके हैं? लिहाजा कई सवाल आज भी लाजवाब है, क्योंकि कहीं पर भी उम्मीद की शुआएं नजर नहीं आ रही। दीनी रहनुमाओं पर कुछ कहने से हमें भी डर लगता है, क्योंकि हमें उतना तकवा उतनी परहेजगारी नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि खामोशी के साथ काम चल रहा है, अल्लाह वाली दुआओं में बैठे हैं, लेकिन क्या कोई बताए तो सही के और किस बात के हम मुंतजिर हैं? आखिर क्या क्या नहीं हो रहा? आखिर क्यों हम मुत्तहिद होकर किसी मकसद के तहत बढ़ना नहीं चाहते? आज मुसलमानों के पास दौलत है, ओहदे हैं, लेकिन कट कर मरना पसंद कर रहे हैं। मुशरिक हमारी दौलत लूट कर ले जाए, इस पर भी हमें इत्मीनान है। बेटियों की चादरों को खींच लिया जाए, ये भी मंजूर है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते। और आपको ये आवाज़ उठाने का हक इस मुल्क का संविधान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें तमाम मजाहिब पर चलने फिरने अपने मजहब की तबलीग करने का बोलने लिखने की आज़ादी इसी संविधान ने दी है। लिहाजा यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, आपको बोलना होगा। और वैसे भी मोमिन की जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, हजार साल जिंदा रहने की ख्वाहिश तो मुशरिकीन रखते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है जो जहां है वहीं से सिर्फ रजा इलाही के लिए आवाज को बुलंद करे। अगर जालिम का जुल्म गलत है तो मजलूम का जुल्म सहना भी गलत है। अभी भी संविधान जिंदा है, जब तब्दील किया जाएगा देखा जाएगा, लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि किसी हाल में भारत का संविधान बदलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि आज भी इस मुल्क के आईन से मोहब्बत करने वाले वो हुब्बुल वतनी लोग जिंदा हैं। भाजपा हुकूमत संविधान की तोहीन कर रही है, पर जल्द यूपी के साथ दिगर रियासतों में भाजपा की शिकस्त भी यकीनी है। लेकिन क्या सियासी तब्दीलियों पर, सियासी पार्टियों के मुस्तकबिल पर ही मुस्लिम माशरे का मुस्तकबिल जिंदा रहेगा? क्या अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने की हिम्मत मुस्लिम माशरे में नहीं है? जरूरत है तमाम सियासी पार्टियों के दायरों से ऊपर उठकर एक उम्मत बनकर इत्तेहाद का मुजाहरा करने की जरूरत है। यकीनन काम मुश्किल है, क्योंकि एक तवील अरसे से हमने एक दूसरे को काफिर कहते हुए अपनी नस्लों की परवरिश की है। असल दुश्मनों की पहचान करने की बजाय अपनों में ही दुश्मनों को तलाशते रहे। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन आपस में नर्म है और दुश्मनों पर सख्त है, लेकिन हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात के बरखिलाफ ही जिंदगी गुजारने की कोशिश की है। आज भी मसल की जहर हमारे जहनों में पैवस्त है। बज़ाहिर इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन बुग्ज कीना कपट आज भी बाकी है। आज भी एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से गुरेज करते रहते हैं, क्योंकि जो यहूदियों की साजिश सहाबा ताबईन तबे ताबईन के दौर से चली आई आज भी उम्मत इन्हीं साजिशों का शिकार है। क्योंकि हम आजकल में तैयबा की बुनियाद पर दूसरे मसलक वालों को भाई नहीं समझते, जबकि हमारा दीन कहता है जिसने भी कलमे शहादत का इकरार किया खून के रिश्ते से भी ताकतवर और मजबूत और मुकद्दस है। उस दौर में भी अख्तलाफ हक और बातिल का ही था, वरना तो मुशरिकीन मक्का और ईमान वाले आपस में रिश्तेदारी तो थे। बद्र के मैदान में हक और बातिल की लड़ाई में शरीक सभी एक दूसरे को जानते ही थे। मतलब आज कलमा गो होकर एक दूसरे से कितनी नफरत रखते हैं। अगर नफरत की बजाय दुनिया की मोहब्बत ने हमें एक दूसरे से कितना दूर किया हुआ है कह दे तो गलत ना होगा। याद रखो, ऐश परस्ती की जिंदगी हमें ले डूबेगी। रमजान जल्द नजदीक है, आप इसे भी महसूस करो, पहले और अब में कितना फर्क आ गया। महज बाजारों को सजाया जाता है, कहाँ है वो रूहानियत, रोजे की पाकीजगी? सिर्फ शहर और तार के बीच हमारा रमजान गुजरता है। अब तो इस साल कोरोना नहीं है, हो सकता है कि लोग उबल कर सड़कों पर बिखरेंगे। आने वाले हालात से उम्मत बेखबर है, जो समझ सकते हैं वो भी इन्हीं की तरह नामालूम होने का ढोंग करते हैं, दुनिया में लगे हुए हैं। इस्लाम को महदूद दायरों में सिमट के रख दिया गया है, लेकिन आज भी जरूरतमंदी का मुजाहरा करेंगे तो यकीनन तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। क्या आज की तारीख में मुस्कान की मिसाल दी जा सकती है? गर हो आज भी इब्राहिम साइमा पैदा की तरह, सिर्फ अल्लाह अकबर लफ्ज में कितनी ताकत है। अल्लाह ने आलमी सतह पर नाम को रोशन कर दिया। एक मिसाल इस बात की दलील है कि हमेशा जरूरतमंदों की ही तारीख लिखी जाती है, बशर्ते के दुश्मनों के नरगे में नारा तकबीर बुलंद करने की जरूरत है। तमाम मोहल्लों में मस्जिदों में बैठकर मुत्तहिद होने की इत्तेहाद को कायम करने की नशिस्तों को मुनक्कद किया जाए।
खासकर नौजवानों को चाहिए कि अपनी जिंदगी की सही सिमत को चुने। आलमी सतह पर तब्दीलियां जारी है, यूक्रेन रूस की लड़ाई को नजरअंदाज ना करे क्योंकि आखिर में निशाना मुसलमानों को ही बनाया जा सकता है। आजमाइश और सख्त हो सकती है। अब हक और बातिल को अलग अलग करने का दौर जारी हो चुका है। सिर्फ आधार कार्ड राशन कार्ड में मुसलमान होना जरूरी नहीं है बल्कि अल्लाह की फहरिस्त में होना जरूरी है। अब हमें खुद सोचना होगा कि हम किस तरफ हैं। मैं दुनिया ही कुछ ठीक रहे और ओहदों के लिए सियासी लीडरों के कदमों में अपना सर तस्लीम खम करने वाले लीडर कभी कौमी फायदा नहीं कर सकते। ऐसे लीडर कौम को बेच ही देते। लिहाजा चारों तरफ आग लगी हुई है और आखिरी दौर में ईमान पर चलना हाथ में अंगारा थामने के बराबर है। इस दौर में आजमाइश का आना गोया तुम्हारे हक पर होने की दलील है। और जो लोग अय्याशी की जिंदगी जीकर मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं इनका तो मामला अल्लाह पर ही छोड़ देना बेहतर है। खैर, मौजूदा हालात के मद्देनजर मिल्लत की फिक्र जरूरी है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि फिक्र मिल्लत कर कयामत आने वाली है, तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में। पिछले कई सालों से कांदा मार्केट यानी बेलगाम प्याज मंडी, महात्मा फुले मार्केट, झंडा चौक तनाजा सुर्खियों में रहा। इसे लेकर कभी कारपोरेशन अपनी मिल्कियत पेश कर रहा था तो कभी वक्फ की जानिब से भी दावा किया जा रहा था। लिहाजा ये जगह किसी की भी नहीं है बल्कि इनामदार भाइयों की है। ऐसा फैसला हाईकोर्ट की जानिब से दिया गया। ऐसा एमआईएम के लीडर लतीफ खान पठान की जानिब से साफियों को तफसीलात पेश करते हुए बताया गया। यह जगह 1866 को कारपोरेशन बेलगाम को 100 साल के लीज पर दी गई थी। 100 साल बाद लीज खत्म हो गई। इसके बाद मार्केट को गिराकर नई इमारत तामीर की गई। लीज खत्म होने के बाद इनामदारों ने फिर अपना माल की हक बताया। इसके बाद वक्फ ने अपना दावा किया और मुकदमा दायर किया। यहाँ बाग सिकंदर दरगाह की जमीन भी है और वह बोर्ड में दर्ज की गई है। लिहाजा इनामदारों ने अदालत का रुख किया। हाईकोर्ट ने 23 तारीख को अपना फैसला सुनाते हुए इनामदार परिवार का ही इस पर हक है ऐसा कहा। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ स्मार्ट सिटी और कारपोरेशन अफसरान यहाँ सर्वे कर रहे हैं। जगह के मालिक इनामदार और ताजिरों को भरोसा में लिए बगैर किसी तरह का काम ना करे ऐसा भी लतीफ खान पठान ने बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया अल्लाह। न्यू कांदा मार्केट एसोसिएशन की जानिब से मैं प्रेस वालों का स्वागत करता हूं। आज न्यू कांदा मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ महीने पहले वफ ने अपना मालकी हक दावा लेकर 66 दुकानों को पीपी एक्ट के तहत खाली कराने का ऑर्डर लेके आए थे। उस वक्त ने हमने जो उन्होंने केस हारा हुआ था उस ऑर्डर को बताते हुए उन्होंने वहाँ से अपना जगह खाली किए थे। उसके बाद उन्होंने अपील किए थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो आज वही अपील के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उनको नाकामयाबी हो चुकी है। क्लियर ऑर्डर हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ना कॉरपोरेशन की है ना वफ की है। ये प्रॉपर्टी 2 एकड़ 21 घंटा पूरी जो प्रॉपर्टी है इनामदारों की है। अब हमने कांदा मार्केट एसोसिएशन की तरफ से व्यापारी लोगों को भी बताना चाहते हैं और ख़ास करके महानगर पालिका के कमिश्नर और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए जो अथॉरिटी है और डीसी साहब भी हैं। हम ये सर्वे हुआ है, हमको भी मालूम है, यहाँ के सिटिंग MLA भी आके सर्वे करके गए हैं कि हमने आपको कुछ मार्केट बना के देंगे, भाजी मॉलों को बैठने का एक जगह बना के देंगे। तो हम उन लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी 2 एकड़ 21 घंटा पूरी प्रॉपर्टी इनामदार फैमिली को जाती है। जब तक इनामदार फैमिली को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेते, न्यू कांदा मार्केट एसोसिएशन के एसोसिएशन को साथ में नहीं लेते, जब तक वहाँ पर कोई ट्रेसपास नहीं करेगा, कोई हरकत कोई नहीं करेगा। हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, अच्छा स्मार्ट सिटी के अंदर एक अच्छा मार्केट बने, अच्छा व्यापारियों को पार्किंग का जगह बने, वहाँ के सब लोगों को सहूलियत हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती अगर करेंगे तो कानून के खिलाफ होगा। तो इसीलिए आज आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जितने दिनों से ये प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन वफ और इनामदार, अब तो इसका फैसला हो चुका है कि पूरी प्रॉपर्टी इनामदारों की है। वहाँ पे कोई भी बाग सिकंदर दरगाह या बाग सिकंदर का कोई वजूद इस मामले के लेके कोर्ट के अंदर क्लियर बोला गया है कि वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इनामदारों की है। मैं
आप लोगों के तरफ से पूरे के पूरे बेलगाम के व्यापारी लोगों के लिए और वापस प्रशासन को मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ के व्यापारियों को कोई तकलीफ ना देते हुए हम डेवलप करने के लिए अगर कोई बात है तो हम आपस में बैठ के डेवलप की बात कर सकते हैं।